Okay, so we have been given an organic compound which is actually an alkenol. तो इसमें एल्किन ग्रुप भी और अल्कोहल भी है, सो इट विल बी एल्किनॉल. एंड इसमें हमें डाइल्यूट H2O4 से रिएक्शन करके इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मेजर प्रोडक्ट हमें ड्रॉ करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन. तो इसमें जो है दो एल्किन ग्रुप्स हैं एंड एक अल्कोहल ग्रुप है. जैसे इसमें आप डाइल्यूट H2O4 पास करोगे तो आपका जो एच प्लस है इट विल अटैक ऑन द अल्कोहल एंड इट विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर. तो एच प्लस का अटैक ओ एच पे होगा एंड इट वहाँ से वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को हटा देगा. तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा. अब इसी कार्बोकैटायन पे इंटरनल जो एल्कीन प्रेजेंट है तो वही पाई बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेंगे. तो जो अटैक होगा वो इस तरह से होगा कि एक स्टेबल रिंग बने. तो यहाँ पे एक सिक्स मेंबर्ड रिंग बन सकती है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो पाई बॉन्ड होगा उसके थ्रू अटैक हो जाएगा कार्बन नंबर वन पे. मतलब इस कार्बन नंबर सिक्स के रिस्पेक्ट में वन पे आप अटैक करोगे तो यहाँ पे एक सिक्स मेंबर रिंग बन जाएगी जो स्टेबल रिंग होती है. एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम यहाँ पे एल्किन बनाएंगे वो हम ड्रॉ कर देते. तो अब कार्बन नंबर सिक्स से वन पे अटैक हुआ है तो सिक्स वन टू, ये आपका कार्बन नंबर थ्री है, फोर है एंड फाइव है. अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हुआ है इसी पे ही वाटर जो कि सॉल्वेंट यूज हो रहा है मीडियम में वही अटैक करेगा और रिजल्टेंट यहाँ पे एक एल्किनॉल फिर से बन जाएगा. बट इस बार इस एल्किनॉल में सिर्फ एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा. तो ये आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट हुआ रिएक्शन के लिए एंड इट विल बी द सेकंड ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन. तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ये बोला गया है कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन की जो रेट है वो 10^6 टाइम बढ़ जाती है अगर अपन उसमें एंजाइम ऐड कर दें. तो एंजाइम ऐड करने से क्या होगा कि रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट, क्योंकि एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है. और कैटलिस्ट क्या करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है. इससे क्या होता है कि ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में. तो अपनी जो रेट कांस्टेंट है के वो क्या होता है, ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी. ये होता है अपना क्या, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेशन. अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐड करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी में जो चेंज आया है वो पूछा गया है. तो ये जो के है वो है विदाउट एंजाइम, मतलब विदाउट कैटलिस्ट. अब रेट कितने टाइम्स बढ़ गई, 10^6, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10^6 इंटू के ए इंटू ई की पावर माइनस ई सी अपॉन आर टी. ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट. अब ये इक्वेशन टू है और ये इक्वेशन क्या है, वन है. दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो. डिवाइड करोगे कैसे, डिवाइड करोगे, टू डिवाइडेड बाई वन. तो यहाँ पे क्या आएगा, 10^6 इक्वल टू ए तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ई की पावर ई माइनस ई सी अपॉन आर टी. ये अपना क्या आएगा, रिलेशन. अब दोनों तरफ क्या लो, लॉग ले लो. दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या आएगा, 6 एल एन 10 इक्वल टू ई माइनस ई सी अपॉन आर टी. ये अपना क्या आएगा, रिलेशन. अब एल एन 10 को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ई माइनस ई सी इक्वल टू 2.303 इंटू 6 इंटू आर टी. और जो लॉग 10 आएगा वो 1 हो जाएगा. बट पूछा गया है अपने को ई सी माइनस ई, तो ये हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 6 इंटू आर टी. तो अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जे मेन सॉल्यूशंस में.
तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम 4। अपने पास चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में पूछा है कि किसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगी। तो अपने पास पहला ऑप्शन है निकल, दूसरा ऑप्शन है कोबाल्ट, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो देखो निकल का अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन वो आएगा 4s2 3d8। कोबाल्ट का आएगा 4s2 3d7। मैग्नीज का आएगा 4s2 3d6 5। आयरन का आएगा 4s2 3d6। अब अपने पास चारों के कॉन्फ़िगरेशन आ गए और अपने को पूछा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब थर्ड की बात कब करेंगे जब दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे, 4s से। तो यहाँ पर अब जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3d8 और यहाँ पर आएगा 3d7, यहाँ पर आएगा 3d5 और यहाँ पर आएगा 3d6। अब अपने को अगला इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसमें एनर्जी सबसे मिनिमम होनी चाहिए। तो देखो मैग्नीज की एनर्जी तो सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि हाफ फील्ड है। आयरन की सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट इज़ 3d5 और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, रिलीज़ करना चाहेगा, मतलब कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, आयरन की होगी, वो भी कौन सी, थर्ड वाली। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक ग्राफ दे रखा है अपने को, किसका, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का, फॉर 3 डिफरेंट लिक्विड्स। लिक्विड्स के नाम दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, और इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में तीन अपने को इंटरफेरेंस दे रखे हैं और इन तीनों इंटरफेरेंस का ये बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इंटरफेरेंस ए बी और सी दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ है बेसिकली वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। तो ये वाई एक्सिस पे तो वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर। तो ये एक्सिस का ग्राफ है, ये वाई का ग्राफ है और ये जेड का ग्राफ है। और ये टेम्परेचर की वैल्यूज़ दे रखी हैं यहाँ 293, 313 और 333। और यहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यूज़ दे रखी हैं 200, 400, 500 और 800। अब तुम अगर उन तीनों ए बी सी इंटरफेरेंस की तरफ जाओगे, तुम उनको रीड करोगे तो वो तीनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन फोर्स। तो ये बेसिकली इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा है। तो अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर अपन टेम्परेचर फिक्स कर दें, अपन क्या फिक्स कर दें, टेम्परेचर, तो अगर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो वेपर प्रेशर कम होता है, ये प्रॉपर्टी अपने को पता है। अब क्या करते हैं कि अपने को टेम्परेचर क्या करना है, फिक्स करना है। तो अपन ने क्या किया, एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या कर दिया, वैल्यू फिक्स कर दी। अब तुम अगर ए और बी इंटरफेरेंस पे जाओगे तो वो कंपैरिजन कर रखा है एक्स और वाई के बीच में। तो अपन को पता है कि ये ग्राफ तो किसका है, एक्स का, और ये ग्राफ किसका है, वाई का। तो अपन क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, तो अपन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स करते हैं। तो अपन ने पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या किया, फिक्स किया। ये टेम्परेचर मान लो अपना T1 है। अब तुम्हें एक बार बताओ कि एट T1 टेम्परेचर तुम्हें कोई बोले कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो तुम डेफिनेटली ग्राफ देख के ये बोलोगे कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाई। तो अपने को पता है कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन कम होगा। तो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन किसका कम होगा,
किसका कम होगा? एक्स का, क्योंकि एक्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अब ए और बी इंटरफेरेंस की तरफ जाते हैं, तो ए में तो एक्स को ज़्यादा बता रखा है, तो ए इंटरफेरेंस तो क्या हो जाएगा? गलत। बी इंटरफेरेंस में वाई एक्स को क्या बता रखा है? कम बता रखा है, दैट इज़ करेक्ट। तो ए गलत है और बी सही है। अब जो सी इंटरफेरेंस है वो कंपेरिजन है जेड और वाई के बीच में। तो अपन क्या करते हैं, जेड और वाई को कंपेयर करते हैं, तो वही बात, यहाँ पर एक टेम्परेचर को क्या करते हैं, फिक्स, टेम्परेचर को फिक्स करते हैं, वो टेम्परेचर मान लेते हैं अपन टी टू। तो तुम एक चीज़ बताओ कि टी टू पर किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? तो वेपर प्रेशर ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ जेड। तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है वाई का, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होगा, किसका? वाई का। तो वाई इज लेस देन जेड, इसका मतलब जो सी इंटरफेरेंस है उसमें जेड को क्या बता रखा है? कम बता रखा है, बट यहाँ पे तो जेड क्या आ रहा है? ज़्यादा। तो मतलब सी इंटरफेरेंस क्या है? गलत। तो सिर्फ कौन सा इंटरफेरेंस सही है? बी इंटरफेरेंस सही है। ओके सर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देयर आर फोर फंक्शनल ग्रुप्स, एंड इन चारों फंक्शनल ग्रुप में तीन को रिड्यूस नहीं किया गया, सिर्फ एक को रिड्यूस किया गया, जो कि रिड्यूस है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमारे पास चार ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट्स में, एंड वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो डाइबोरेन होता है, B2SS, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बाकी ऑक्सीजन दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस नहीं करेगा अगर आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा। सो बेसिकली इस रिएक्शन में हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास अमाइड है, वी हैव अ कीटोन एंड ऑल्सो अ नाइट्राइल ग्रुप। तो इसकी रिएक्शन अगर आप B2SS से कराते हो तो इसमें आपका सिर्फ कन्वर्जन होगा अल्कोहल का, तो ये अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा यहाँ से, बाकी कोई भी ग्रुप पे असर नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली B2H6 जो होता है रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड सेलेक्टिवली इन प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स। ओके सो हमारे पास एक मिक्सचर है दो एल्केन्स का, वन ऑफ देम इज आइसोहेक्सेन एंड अनदर वन इज 3-methylpentane। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स ही हैं, और इन दोनों में हमें बताना है कि इन दोनों में सेपरेट आउट पहले कौन होगा और हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए इनको सेपरेट करने के लिए। तो बेसिकली दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है इट्स वेरी लेस, तो ऐसे केस में हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना चाहिए। तो जब आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस काफ़ी कम होता है उस केस में हमेशा हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज़ करते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले डिस्टिल आउट होकर बाहर आ जाता है। सो वी कैन से दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड if difference in boiling point is less, since boiling point of isohexane is less, therefore it will be separated out first. तो आपका जो आइसोहेक्सेन होगा वो आपका पहले सेपरेट आउट हो जाएगा। तो आपका आइसोहेक्सेन जो होता है इट्स बेसिकली 2-methylpentane, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू 3-methylpentane। और जो ऑप्शन 4 होगा विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
सो हमारे पास एक लिक्विड इथाइल एसीटेट और हमें बताना है कि इसमें किस टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इथाइल एसीटेट वी हैव कंसिडर्ड एन एस्टर विद सच स्ट्रक्चर. तो इसमें बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इट इज अ पोलर पार्ट. तो ड्यू टू दिस पोलर पार्ट इट विल हैव अ सर्टेन डाइपोल मोमेंट और यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस रहेंगी. साथ के साथ यहाँ पे एक नॉन पोलर पार्ट भी है जो कि आपका इथाइल और मिथाइल वाले पार्ट्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली इनके वजह से आपका वंडरवॉल या फिर वंडरवॉल डिस्पर्जन प्रोसेस भी रहेंगी. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यू टू इट्स पोलर नेचर इट विल हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ अल्काइल ग्रुप इट विल हैव वन टू वॉल dispersion forces also. So accordingly हमारा जो third option होगा it will be the correct option. Okay, as per the Hardy-Scholes rule हमारे पास जो ferric hydroxide है उसको हमें coagulation करवाना है. तो ferric hydroxide salt जो होता है it's a positive charge salt. So basically हमारे पास जो anions होंगे वही उसका coagulation करेंगे. So as per the Hardy-Scholes rule, we can say that coagulation or flocculation value jo hoti hai, it is inversely proportional to coagulation power. And jo power hoti hai, it will depend on the charge. The charge pe depend karta hai. So if you look at the options, tumhara jo K3FeCN6 hai, उसका जो एनायन होगा उस पर 3 नेगेटिव चार्ज होगा. इट विल मैक्सिमम चार्ज, तो सबसे कम वैल्यू इसी की होने वाली है. उसके बाद नेक्स्ट आपका K2CrO4 है, तो उसका जो एनायन है CrO4 2 नेगेटिव पे चार्ज कम हो चुका है. और बाकी जो तीन ऑप्शन हमारे पास में हैं उसमें Br नेगेटिव है, -1 चार्ज है, NO3 नेगेटिव उसमें -1 चार्ज है, एंड AlCl3 में जो Cl नेगेटिव उसमें -1 चार्ज है. सो बेसिकली इन तीनों की जो कॉगुलेशन वैल्यू होगी टू द सेम, बट बेसिकली इनकी पावर कम है तो कवरेशन वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. इनके लिए -2 चार्ज है, इसके लिए -3 चार्ज है. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस तो सबसे कम वैल्यू इसी की लगने वाली है. तो K3FeCN6 की कवरेशन वैल्यू सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा K2CrO4 की होगी, फिर इन तीनों की बराबर रहेगी. तो बेसिकली इनके जो सॉल्ट्स हैं इन सब के लिए इट विल बी सेम. तो कॉगुलेशन पावर जो होती है वो चार्ज पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पावर होगी, उतनी कम आपकी कॉगुलेशन वैल्यू होगी. सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड्स फॉर द फ्लॉकुलेशन वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो वी हैव बीन गिवन अ नाइट्राइल एंड वी हैव टू रिएक्ट इट विद पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड वी हैव टू प्रोड्यूस ए. अब जो ए है वो किसी एल्किन के साथ रिएक्शन करके बी बना रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल इन द नाइट्राइल व्हिच हैव बीन गिवन. तो आपका जो नाइट्राइल है इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड जो होगा ये रेडिकल बनाएगा. तो इसमें जो आपका स्टेबल रेडिकल होगा वो यहाँ बनेगा. तो सनाइट के बगल में जो रेडिकल होगा इट विल बी स्टेबल. अब ये जो रेडिकल बन गया है ये हमारा ए है. अब ये जो ए की रिएक्शन जो है हमें इस एल्कीन के साथ करवानी है. तो ये जो एल्कीन था उसका रिएक्शन करवानी है. तो इसमें जो पाई बॉन्ड होगा ये आप इसका ज्वाइन हो जाएगा. एंड सिमिलरली इसके बाद जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी
अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट विच हैज बीन गिवन एज ए, तो ए किसी ए की एल्केन से रिएक्शन होके दिस विल बी द रेडिकल. अब इसका हाइड्रोजन रेडिकल अटैच हो जाएगा इसके ऊपर एंड जो अल्टीमेटली इसमें प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस वन. सो ये हमारा बी हो जाएगा एंड दिस वॉज ए. सो अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन वन होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके सो वी हैव बीन गिवन हैलो अल्केन्स एंड हमें इनको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है एंड इवन रिएक्शन फॉलो करनी है. वेन वी आर फॉलोइंग इवन मैकेनिज्म वी हैव टू ड्रॉ कार्बोकैटायंस. तो जिस पर्टिकुलर हैलो अल्केन के लिए जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कार्बोकैटायन 1 डिग्री बनेगा तो जो कि रीअरेंज होके इस फॉर्म में आ जाएगा. जो आपका सेकंड है उसमें भी क्लोरीन हटेगा एंड वहाँ पे भी एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो कि रीअरेंज होके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा. नेक्स्ट आपका सी है तो सी में जो कंपाउंड है उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और यहीं पे आपका कार्बोकैटायन बनेगा एंड जो आपका जो लास्ट ऑप्शन है डी उसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस तो हमारा हमको पता है कि आपके जो डी ऑप्शन और आपका जो बी ऑप्शन है इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और जो ए और सी हैं उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल है. तो इफ यू लुक एट द इमीडिएटली फॉर्म कार्बोकैटायंस तो डी और बी में से डी ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज इसमें इमीडिएटली फॉर्म करें ज़्यादा स्टेबल है इसमें रीअरेंज होकर स्टेबल हो रहा है. अब जब सी और ए ऑप्शन की बात करते हैं तो सी में हाइपर कॉन्जुगेशन इमीडिएटली फॉर्म कार्बोकैटायन भी स्टेबल है और इसमें रीअरेंज होकर आपका स्टेबल हो रहा है. तो इफ़ यू लुक एट द करेक्ट ऑप्शन हमारा जो डी होगा सबसे आगे स्टेबल रहेगा रिएक्टिविटी मैक्सिमम रहेगी. डी के बाद बी होगा देन सी एंड देन ए. सो अकॉर्डिंगली हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके सो वी हैव बीन गिवन 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लूकोज एंड वी हैव टू टेल विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ग्लूकोज. सो बेसिकली आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें हाइड्रोक्सिलामाइन का रिएक्शन दिखा रखी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म एंजाइम. तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ग्लूकोज होता है उसका एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोक्सिलामाइन का रिएक्शन करके एंजाइम बना लेता है. बट जो पेंटासिड की फॉर्म में रहता है देन इट्स एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्री ड्यू टू साइक्लिक फॉर्म एंड इट विल नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म एंजाइम. तो फर्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. बी और सी स्टेटमेंट पे आते हैं तो बी स्टेटमेंट जो है उसमें ग्लूकोज जो होता है इट डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट बिकॉज इट्स एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्री टू साइक्लिक फॉर्म. तो आपका जो ग्लूकोज होता है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है तो बी स्टेटमेंट जो आपका होगा इट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट. अब जो सी स्टेटमेंट है उसमें बता रखा है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स विच आर क्रिस्टलाइन. तो यस इट्स ट्रू बिकॉज जो ग्लूकोज होता है जब भी सोल्यूशन में जाता है इट फॉर्म्स एनोमर्स अल्फा एंड बीटा और जब उनको क्रिस्टलाइज करते हैं तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं. सो वी कैन से दैट ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट because it's aldehyde group is not free due to cyclic structure. So we have to arrange these three compounds according to the bond length of C and oxygen of COH bond length. तो आपका जो carbon और OH के बीच में bond length है उसके according हमें इन तीनों को अरेंज करना है. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस तो आपका जो मेथनॉल है इट हैज नो रेजोनेंस तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी. तो इसका जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होगी तो आपका जो ये बॉन्ड लेंथ होगी मैक्सिमम होगी. सो इफ यू लुक एट द अदर ऑप्शंस तो उसमें फिनॉल के रिस्पेक्ट में पैरा पे इथॉक्सी ग्रुप अटैच कर रखा है तो ये जो है प्लस आर इफेक्ट शो करता है और ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करता है. तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड रहेगा इट विल हैव डबल बॉन्ड
characteristic, but its double bond characteristic will be weakened by another plus R effect of this group. तो ये प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, तो इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है इट विल बी वीक इन नेचर. तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में जब डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. बट इफ यू लुक एट द लास्ट ऑप्शन, तो आपका जो फिनॉल है उसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, एंड देर इज नो अदर ग्रुप विच कैन वीकन दिस रेजोनेंस इफेक्ट. सो बेसिकली इट विल द शॉर्टेस्ट इन लेंथ, दिस विल बी इंटरमीडिएट एंड इट विल द लॉन्गेस्ट. सो मेथनॉल जो होगा CH3OH, इसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम रहेगी. उसके बाद में आपका पैराइथॉक्सीफिनॉल बॉन्ड लेंथ में, एंड देन इट विल बी फिनॉल इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन. सो अकॉर्डिंगली हमारा सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. अब जो अपना अगला क्वेश्चन है उसके अंदर एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया गया है, और उसमें वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो दिया गया है वो बामर सीरीज के लिए, किसके लिए है? बामर सीरीज के लिए. ठीक है, अब वो बामर सीरीज के लिए तो है. अब उसके बामर सीरीज के लिए अपने को वेव नंबर का एक फॉर्मूला दे रखा है. फॉर्मूला है आर इंटू जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर. ये अपने को फॉर्मूला दे रखा है, और इसके रिगार्डिंग अपने को चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, और चारों स्टेटमेंट को मैं बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है. अब देखो बामर सीरीज है तो तुम्हें पता है कि एंड कहाँ पर होगा, एन वन इक्वल टू टू पर, तो एन वन इक्वल टू टू होगा. अब जो पहला स्टेटमेंट है वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एज वेवलेंथ डिक्रीजेस लाइन्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग. अब लाइन्स कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे होगी, तुम्हें पता है कि जब थ्री से टू आता है, क्या आता है थ्री से टू, तो उसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होता है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है. और इन्फिनिटी से टू आता है तो उसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा और वेवलेंथ सबसे छोटी होती है. तो अपन देखो कि अगर अपन इधर से इस लाइन पे जाएं, इस लाइन से इस लाइन पे जाएं, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है. और अपन ये बोल सकते हैं कि लाइन क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है. क्यों कन्वर्ज का मतलब ये होता है कि जिनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम हो. जैसे अपन ये बोल सकते हैं कि इन्फाइनाइट से टू और इन्फाइनाइट माइनस वन से टू जो लाइन आएगी उनमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा. मतलब तुम्हें दिखेगा कि वो लाइन ऑलमोस्ट क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ज हो रखी है. तो अपन ये स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं. उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट ये बोला है कि एन वन जो है क्या है, एन वन वो क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए. सही बात है, एन वन टू ही होगा क्योंकि बामर सीरीज है. तो उसके बाद अपन ये बोल सकते हैं कि अगला स्टेटमेंट ये बोला गया है कि जब थ्री से टू आएगा तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला होगा. तो वो भी सही है क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ही होगा कि थ्री से टू में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम, तो एनर्जी सबसे कम तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा. फोर्थ ये बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी में कहाँ पहुँचना चाहिए, ग्राउंड स्टेट से इन्फाइनाइट जाना चाहिए. बट यहाँ तो ये बीच में क्या आ रहा है, टू आ रहा है क्योंकि बामर सीरीज है. तो ये फॉल्स हो गया, इस फॉर्मूले से अपन नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेक एंड मर आइसोमर्स. अब तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जो फेक एंड मर आइसोमर्स हैं वो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, एम ए थ्री और बी थ्री. तो देखो कौन सा ऑप्शन एम ए थ्री बी थ्री है, तो अपन देखें तो ऑप्शन नंबर जो चार है वो अपना क्या है, एम ए थ्री बी थ्री. तो ऑप्शन नंबर चार क्या है, सी ओ एन एच थ्री होल थ्राइस एन ओ टू होल थ्राइस, ये अपना एम ए थ्री बी थ्री है. तो ये फेक एंड मर आइसोमर शो करेगा. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें लिखा हुआ कि द स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस NaOH कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाई टाइट्रेटिंग. और इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसके अंदर सबसे एक्यूरेटली एक्वस NaOH की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं. स्ट्रेंथ मान लो या तुम कंसंट्रेशन मान लो, एक ही बात है. अब देखो अगर तुम्हें टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल लाइफ में अपन जाएँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो नॉन सोल्यूशन होता है कि जिसकी हेल्प से अपन अननोन सोल्यूशन की क्या बात करेंगे, कंसंट्रेशन की बात करेंगे,
तो जो नॉन सॉल्यूशन है मतलब तो जिसकी कंसंट्रेशन अपने को पता होती है वो ब्यूरेट के अंदर रहता है, वो किसके अंदर रहता है, ब्यूरेट के अंदर रहता है, और जो अपना अननोन सॉल्यूशन है वो रहता है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है, अब अपना अननोन सॉल्यूशन तो कौन सा है, NaOH, इसकी तो अपने को पता करनी है। अब जो ये नॉन सॉल्यूशन है जो ब्यूरेट के अंदर रहते हैं वो अपने पास ऑप्शन में दो दे रखे हैं, या तो H2SO4 या दे रखा है H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो, अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि ये अननोन सॉल्यूशन है, तो एक्वस NaOH अननोन सॉल्यूशन है, तो ये तो किस में रहेगा, कॉनिकल फ्लास्क में, और ब्यूरेट में कौन रहेगा, H2SO4 या H2C2O4 में से एक रहेगा। अब देखो जो नॉन सॉल्यूशन है उनको दो चीज़ में कैटेगराइज कर रखा है, एक तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है कि जिसके अपन जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं और जो एक्सपेरिमेंटली आता है उनमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता, मतलब ना के बराबर डिफरेंस होता है, बट जो सेकेंडरी सॉल्यूशन होते हैं उनका जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल आते हैं उसमें ठीक ठाक डिफरेंस आता है। तो होता क्या है कि जो H2SO4 है ना वो तो अपना सेकेंडरी सॉल्यूशन है और H2C2O4 क्या है, अपना प्राइमरी सॉल्यूशन है, इसलिए अपन तो एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहेंगे तो अपन क्या यूज़ करेंगे, H2C2O4। ये किसके अंदर होना चाहिए, ब्यूरेट के अंदर, और ये किसके अंदर होना चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब देखो कॉनिकल फ्लास्क तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, वो पिपेट दे रखा है, पिपेट की मदद से ही कॉनिकल फ्लास्क को भरा जाता है, ये तुम 12th के अंदर लैब के अंदर देख चुके हो, तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि ये तो पिपेट के अंदर और ये किसके अंदर, ब्यूरेट के अंदर। तो अपन पेपर के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है अपना वो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन H2O8-2, उसमें तो सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे हैं, और दूसरा पूछा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम इन रोम्बिक सल्फर। तो सबसे पहले अपन H2O8-2 की बात करते हैं, तो देखो अपने को नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में, तो अपने को इसको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो देखो अपन ने स्ट्रक्चर बनाना सीख रखा है, तो यहाँ क्या आएगा, H डबल बॉन्ड O O माइनस, यहाँ से O H डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम, तो देखें अपन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने हो गए, 8 बॉन्ड्स हो गए किसके बीच में, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में। अब जो अगला स्ट्रक्चर है दैट इज़ S8, तो S8 होता है रोम्बिक सल्फर, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अपन इसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये इसका क्या है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। अब इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में पूछा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम, तो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर कितने होंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड सल्फर, 8, तो क्या आंसर होगा, 8 और 8। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमल गोरा, आई एम द केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मैट्रिक्स एकेडमी। आज अपन जेई मेन 2020 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, और ये पेपर है 8 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ NaMg एल्यूमिनियम सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली, तो अपन इन चारों एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, और चार ऑप्शन दे रखे हैं कि उनमें से कौन कौन सी पॉसिबल है। तो देखो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अपन देखें तो NaMg एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये क्या है, अलोंग द पीरियड है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अलोंग द पीरियड जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है कि जो ये Mg है ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये लास्ट में क्या आता है, 3s2,
तो इस फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगा क्या कि एमजी की एल्यूमिनियम से कम नहीं होगी, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी क्या आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक्चुअली जो ऑर्डर आएगा यहाँ पर ये होगा Na, उसके बाद Mg की जगह आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा Mg, Mg के बाद आएगा सिलिकॉन। तो ये अपना करेक्ट ऑर्डर है किसका आयनाइजेशन एनर्जी का। अब अगर अपन ऑप्शन मैच करें तो देखो सबसे कम किसकी है सोडियम की, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में देखें तो सबसे कम कौन सी है 496, तो सोडियम को क्या मिलनी चाहिए 496। उसके बाद कम किसकी है एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम को क्या मिलना चाहिए 577। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद किसकी है एमजी की, तो एमजी को मिलना चाहिए 737। और सबसे ज़्यादा किसकी है सिलिकॉन की, तो उसको मिलना चाहिए 786। तो रिस्पेक्टिवली अपने पास चारों की क्या आ गई आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच होगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 मैच होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन अगर सॉल्यूशन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अमोंग द गैसेस दैट कोज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो अपने को 5 गैस दे रखी है, उन 5ों गैसों में ये बताना है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। तो तुम्हें ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो होगा, एक तो CO2 गैस देती है, तो ए ऑप्शन तो सही है, फिर बी है H2O, तो H2O वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, फिर ऑप्शन सी CFC गैस भी ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, O2 गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं देती है, और O3 गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। तो कौन कौन सी गैस दे रही है, CO2, H2O, CFC और O3, तो A, B, C और E, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है 2। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर एक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी कर्व दिया गया है, और उस कर्व की हेल्प से अपने को उनका स्टोकियोमेट्रिक एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। तो देखो अपने पास सॉल्युबिलिटी कर्व गिवन है सॉल्ट का, उससे अपन ये बता सकते हैं कि जो सॉल्ट बना हुआ है एक्स और वाई, तो अपन एक्स और वाई की कंसनट्रेशन में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, और कर्व को देखते हुए अपन ये बोल सकते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 times ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है, ये अपन आराम से बोल सकते हैं। तो ये आ गया, तो अब तुम्हें पता है कि किस टाइप की इसकी स्टोकियोमेट्रिक होनी चाहिए। तुम्हें देखो कि इसने बोला है कि y की कंसनट्रेशन 2 times है किसके, x के, तो अगर x कंसनट्रेशन ऑफ x a है तो उसकी क्या होनी चाहिए, 2a होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है कि जब सॉल्ट किस टाइप का हो, XY2 टाइप का हो, XY2 टाइप का सॉल्ट हो, और ये किस में टूटेगा, X+2 और 2Y-। अब ग्राफ से अपन अगर देखें तो अपन कंसंट्रेशन में निकाल सकते हैं कि जहाँ पर X की अगर 1×10⁻³ है तो Y की होगी 2×10⁻³। ग्राफ से अपन ये बोल सकते हैं, ग्राफ दिया हुआ है अपने को। अब ये तो स्टोकियोमेट्री आ गई कौन सी, XY2। अब इसका केस भी पूछा है, तो केस भी क्या होगा, कंसनट्रेशन ऑफ X+2×Y- का होल स्क्वायर। तो X+2 की कंसनट्रेशन कितनी है, 10⁻³ इंटू 2×10⁻³ का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 4×10⁻⁹। ये अपनी क्या हो जाएगा केस पे, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जब जिप्सम को 393 केल्विन पर हीट किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो जिप्सम का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O, उसको 393 केल्विन पर अगर हीट किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ CaSO4.5H2O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaSO4.5H2O, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन अपना दिया हुआ है CaSO4.5H2O, तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है
उसमें ये दिया गया है कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इट मीन्स Fe SO4.7H2O इज यूज फॉर 45 फूड्स विथ आयरन। और ये बोला है कि कितना अमाउंट अपने को फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी कि अपने पास 10 PPM आयरन 100 kg गेहूँ के अंदर हो। तो 10 PPM क्या होना चाहिए? आयरन। तो PPM का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। और उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? जिसका PPM निकाल रहे हैं, किसका? आयरन का। तो यहाँ क्या आएगा? मास ऑफ आयरन अपॉन जो गेहूं का मास है वो कितना है? 100 kg पर ये कहाँ होना चाहिए? ग्राम में। तो क्या आएगा? 1000 और इंटू 10^6। यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ आयरन कितना आया? 1 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि आयरन का 1 ग्राम मास होना चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ से आएगा? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट से। तो अपन क्या करें कि इतने इसके मोस लें, इसके इतने मास लें कि अपने को इसमें से 1 ग्राम आयरन मिल जाए। अब देखो यहाँ पर आते हैं, तो तुम एक चीज़ बोल सकते हो कि अगर आयरन का 1 मोल होगा तो इसका पूरे का भी 1 मोल होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 55.85 ग्राम आयरन का मास अगर चाहिए होगा तो पूरे के कितने मोल चाहिए होंगे? 1 मोल, 1 मोल ऑफ सॉल्ट, ये अपन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्ट का 1 मोल है तो Fe का भी 1 मोल, और 1 मोल Fe का मास कितना होता है? 55.85। कितना ग्राम आयरन चाहिए? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम आयरन के लिए क्या होना चाहिए? 1/55.85 ग्राम। 1 ग्राम आयरन के लिए क्या होना चाहिए? 1/55.85 मोल्स ऑफ सॉल्ट होने चाहिए। बट अपने को पूछा क्या है? मास। तो मास होगा तो अपन मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूलर मास है 277.85/55.85, ये हो जाएगा। ये तो मॉलिक्यूलर मास है इनटू मोल्स। तो यहाँ से जो मास आएगा वो आएगा 4.97 ग्राम। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ रिएक्शन। और अपनी जो हाफ रिएक्शन है वो ये है 2H2O goes to O2 plus 4H plus plus 4 इलेक्ट्रॉन। और जो हाफ रिएक्शन है उसकी अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का बोल रहा है, और वहाँ पे pH दे रखी है 5, और इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो दे रखा है -1.23 वोल्ट। और अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है एट pH इक्वल टू 5। तो देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस हाफ रिएक्शन का वो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड -0.059/4, ये अपनी जो रिएक्शन है, इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 4, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो तुम्हें दे रखा है -1.23 -0.059/4 इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा कि pH कितनी है? 5 है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा? 10^-5। तो 10^-5 की पावर 4। यहाँ से अपन निकालेंगे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आएगा -0.93 वोल्ट, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा। तो पेपर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय ए गैस दैट अंडरगोस रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ABC। और अपने को एक PV ग्राफ दे रखा है और अपने को पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अब तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन होता है वो होता है एरिया अंडर PV ग्राफ। तो अपने को ये जो प्रोसेस भी है ABC रिवर्सिबल एक्सपेंशन उसका PV ग्राफ दे रखा है,
और उस ग्राफ का अगर अपन एरिया निकाल लें तो अपने पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, और वही पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि जल्दीबाजी में अपन हमेशा इसको ओरिजिन मान लेते हैं, बट यहाँ पर ओरिजिन नहीं दे रखा और यहाँ पर दे रखा है 2,2। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, यहाँ पर ये 8 है और ये 12 है और ये 8 है। ये पी दे रखा है पास्कल में, वी दे रखा है मीटर क्यूब में। अब इस ग्राफ का अपन क्या निकालते हैं, एरिया। तो देखो तुम्हें एक रेक्टेंगल दिखाई दे रखा है और एक ट्राइंगल दिखा रखा है। अब ये लेंथ 8 नहीं होगी, ये लेंथ होगी 6, ये लेंथ भी कितनी होगी 6। तो जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, एक तो रेक्टेंगल का एरिया दैट इज 6 × 6 प्लस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया होगा, ये तो लेंथ हो गई 4 और ये लेंथ कितनी है 6, तो 4 × 6। तो यहाँ से तो आएगा 12 और यहाँ से कितना आएगा 36, तो टोटल एरिया कितना हो गया 48। और ये जो एरिया ही है वही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, दैट इज़ इक्वल टू 48। और देखो पीवी का जो यूनिट है वो पास्कल है और एक का मीटर क्यूब है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 48 जूल। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ 0.125 मोलर AgNO3, 0.125 मोलर AgNO3 रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट क्लोराइड आइंस इन 0.3 ग्राम ऑफ CuNH3O6Cl3। तो मतलब Cl को अपने को आइंस को क्या करना है, प्रेसिपिटेट। बेसिकली वहाँ AgNO3 से Ag+ जो आएगा वो Cl- के साथ मिलके क्या बनाएगा, AgCl, और वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो अब अपने को ये पता है कि रिएक्शन क्या होने वाली है, तो रिएक्शन इस तरीके से होगी कि AgNO3 और CuNH3O6Cl3 रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके यहाँ क्या बनाएंगे, AgCl, और वही क्या है, प्रेसिपिटेट। अब इसके खुद के कितने मोल हैं, खुद पूरे के कितने मोल होंगे, वो होंगे 0.3/2 67.46। तो ये किसके मोल हो जाएंगे, पूरे कंपाउंड के। तो मोल्स ऑफ Cl- आयन कितने होंगे, वो होंगे 3 × 0.3/2 67.46। ये क्या होंगे, मोल ऑफ Cl- आयन। ये अपने पास मोल हो गए, ठीक है। अब जितने मोल Cl- के हैं उतने मोल किसके होने चाहिए, AgNO3 के। तो AgNO3 के कितने मोल होंगे, कंसंट्रेशन तो 0.125 × वॉल्यूम मान लो वी ML में है, तो डिवाइडेड बाई 1000। ये मोल किसके हैं, AgNO3 के। तो उतने मोल किसके होंगे, Ag+ के। तो Ag+ के और Cl- के मोल्स क्या होने चाहिए, बराबर, तभी वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो अपन ये इक्वेशन बना सकते हैं कि 0.125 × V/1000 शुड बी इक्वल टू 0.9/2 67.46। यहाँ से जब वी कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 26.92 ml। इतने ml AgNO3 के सॉल्यूशन की ज़रूरत अपने को पड़ेगी, इतने Cl- के आयंस को प्रेसिपिटेट करने के लिए। So number of chiral centers in penicillin have been asked in this question. So if we look at the structure of penicillin, then we can say that उसके इसमें 3 chiral centers होते हैं. So let's draw the structure of penicillin. तो penicillin का जो structure होता है, उसमें nitrogen, sulfur, amide groups होते हैं, and carboxylic acid ग्रुप भी होता है। सो अगर आप इसके स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो वी कैन सी दैट ये जो कार्बन है वो कायरल है, दिस कार्बन इज आल्सो कायरल एंड दिस कार्बन इज आल्सो कायरल। सो बेसिकली इन द होल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आर 3।